सरकार की तानाशाही जोर जुलूम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुलूम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जनाबे आजाद साहब जिंदाबाद। जनाबे आजाद साहब जिंदाबाद। जनाबे सुरुणी साहब जिंदाबाद। जनाबे सुरुणी साहब जिंदाबाद। जनाबे आजाद साहब जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हिंदू जनाबे सुरुड़ी साहब जिंदाबाद। सुरुड़ी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। सुरुड़ी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। सुरुड़ी साहब का नारा है हिंदवाल हमारा है। सुरुड़ी साहब का नारा है हिंदवाल हमारा है। हमारा लीडर कैसा हो सुरुड़ी साहब कैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो सुरुड़ी साहब कैसा हो। हमारा लीडर हमारी जमीने वापस करो। हमारी जमीने वापस करो। रोशनी एक्ट वापस करो। रोशनी एक्ट वापस करो। रोशनी एक्ट वापस करो। खालिसा सरकार वापस करो। खालिसा सरकार वापस करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। झूठी सरकार हाय हाय। झूठी सरकार हाय हाय। झूठी सरकार हाय हाय। झूठी सरकार हाय हाय। भूखा नंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। नंगा हिंदुस्तान नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार हाय हाय। बीजेपी सरकार हाय हाय। भूखा नंगा हिंदुस्तान बीजेपी सरकार हाय हाय। ना थोड़ा सा काम बल से देखा दियो बस कर हो गया सारा। आओ सरकार सरकार वापस करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकार हाय हाय। झूठी सरकार हाय हाय। झूठी सरकार हाय हाय। झूठी सरकार हाय हाय। भूखा नंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। नंगा हिंदुस्तान बीजेपी सरकार हाय हाय। बीजेपी सरकार हाय हाय। भूखा नंगा हिंदुस्तान बीजेपी सरकार हाय हाय। और सारे आगे आगे सलाम अलैकुम मुबारक है सबने। आज दिन आया आज हम टाटा गांव के बीच में हैं लिहाजा यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं। इनकी मुश्किलात का ज़बरदस्त सामना है। आज जो उत्तराखंड में एक नौजवान मर गया था जिसकी शहादत हुई उसका आज कल जनाजा भी था उसी सिलसिले में हम इस टाटा गांव में आए। यहाँ बहुत सारे लोग मिले और इनकी मुश्किलात जो है सबसे पहले इनकी ज़मीनें जो हैं जो गवर्नमेंट ने ये टाटा का एरिया है या द्रमन का एरिया है या कुशीटावा का है या कुटल है या कहीं का ये पूरी पंचायत जो है और ख़ास करके ब्लाक कारा में मरेगा का पैसा जो है अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 50% प्लान सेंक्शन हो चुका है। 14 FC के जो काम किए हैं उनकी पेमेंटें नहीं हो रही हैं। चार चार तीन तीन महीने से पेमेंटें पड़ी हुई हैं। कैपेक्स बजट जो है वो भी पेंडिंग है। सिटी पंचायत का है वो भी पेंडिंग है। जितनी भी फंड्स हैं और उसके अलावा टेंडरिंग सिस्टम जो है वो भी इनकम्प्लीट है। ना फंड से पूरी है ना काम पूरा करने के बाद पेमेंट हो रही है और उसके बाद डिपार्टमेंट भी काफ़ी लेतोलाल कर रहा है। मेरी DC साहब से LG साहब से मुतमाना गुजारिश है कि इसकी तरफ खसूसी तवज्जा दी जाए। यहाँ टीम भेजी जाए ताकि नरेगा की पेमेंट हो कैपेसिटी की पेमेंट हो टेंडरिंग जल्दी हो 14 FC की पेमेंट हो और साथ में ये ज़मीनों का जो ऑर्डर किया है खालसा सरकार रोशनी का और बाकी चीज़ें जो है और ये जो रोड का कंपनसेशन है ये और ये रोड का कंपनसेशन है ये भी लोगों को दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो पानी का मसला है बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है इस एरिया में। खाओ कन्नू का इलाका है द्रमन का है बगड़न का है कुशीटावा का है कुटल का है बटोगड़ा का या प्रॉपर ये जो एरिया है यहाँ का टाटा पंचायत का ABC
सात के सात वार्ड जो है पानी के बगैर है। पानी रोज कहते हैं डिपार्टमेंट टंडर हो रहे हैं, पर यहाँ न पाइप देखने को नहीं है। फौरी तौर पे पानी का इंतजाम किया जाए। बिजली अगर यहाँ से लगी है, मगर कुछ घर छोड़ दिए हैं, उनको भी बिजली पूरी तरह दी जाए और किराया जो है कम किया जाना चाहिए। साथ में राशन जो है, राशन तो मिल रहा है मगर फ्री राशन को एक्सटेंड मार्च तक किया जाना चाहिए। ये मुश्किलात इन सब लोगों की है, जिसके लिए मैं मुतमाना गुजारिश करता हूँ एलजी साहब और डीसी साहब से कि फौरन से पहले मनरेगा की पेमेंट, 14 एफसी की पेमेंट और ये टेंडरिंग सिस्टम वगैरह जो है इसको मुकम्मल किया जाए।